सभी राज्यों का चुनाव महत्वपूर्ण होता है, मगर भारतीय जनता पार्टी का बहुत शानदार परफॉर्मेंस रहेगा और उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। समय ज़्यादा नहीं है, 10 तारीख को नतीजे आ जाएंगे और जिस प्रकार की बातें आ रही हैं, छत्तीसगढ़ से करीब करीब 50 हमारे कार्यकर्ता वरिष्ठ लोग गए हैं, उनसे भी बातचीत होती है, तो ये निश्चित मैं कह सकता हूँ कि बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बन रही है और अन्य राज्यों में भी हम बेहतर करेंगे। इसलिए तो बोल रहा हूँ कि 3 और 4 सीट जीतने के बारे में लोग शर्त लगा रहे हैं, तो प्रियंका जी जब छत्तीसगढ़ मॉडल में लड़ेंगी और 3 सीट या 2 सीट जीतती हैं तो ये अपने आप में एक मॉडल होगा। वो जहाँ जहाँ जाते हैं हमको तो थोड़ी बहुत चिंता रहती है, वो भी दूर हो जाती है, क्योंकि जिस राज्य का कमान संभाला है वहाँ का बंडाधार करने में असम में बहुत ताकत लगाए थे, बहुत पूरी शक्ति लगा दिए थे, पूरी टीम ले गए थे, 6 महीने से मेहनत करते रहे, असम का हालत क्या हुआ और उसके बाद अब उत्तर प्रदेश की क्या हालत होगी जानते हैं, और पंजाब की हालत तो यह है कि वहाँ की रही सही सरकार भी जा रही है। देखिए, जिस प्रकार की हल्की बातें राज्यपाल महोदय के लिए बोला जाता है, ये मुझे लगता है कि इसको मैं सर्वथा अनुचित मानता हूँ। राज्यपाल की पद की गरिमा है, उसकी मर्यादा है, और जो भी अब किसी को आपत्ति है कि मिलने लोग आते हैं तो छत्तीसगढ़ में यानी राज्य के प्रमुख के नाते, अभिभावक के नाते, हर व्यक्ति को अपनी समस्याओं को बताने का अधिकार है, अलग अलग संघ के लोग मिलते हैं, और राज्यपाल की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है कि यदि कहीं कहीं असफलता भी है उसके लिए लोग चिन्हांकित करते हैं तो संबंधित लोगों से बात करें। तो ये प्रश्न उठाया जाना हिंदुस्तान में शायद वेस्ट बंगाल के बाद छत्तीसगढ़ ही है जहाँ गवर्नर की भूमिका के लिए प्रश्न उठाए जाते हैं, जबकि उन्होंने छत्तीसगढ़ के समाज के सभी वर्गों, जिसके दरवाजे किसी के लिए नहीं खुलते गवर्नर के दरवाजे खुले रहते हैं, बस्तर से सरगुजा तक पदयात्रा करते हुए सैकड़ों हजारों आदिवासी भाई आते हैं तो उनके लिए दरवाजे खुलते हैं तो गवर्नर हाउस के खुलते हैं, बाकी लोग के दरवाजे बंद हो जाते हैं, अलग अलग जगह लाठियाँ चलती हैं, मगर उनको भी सुनने का काम महामहिम ने किया है। तो एक महत्वपूर्ण भूमिका इस छत्तीसगढ़ में गवर्नर की रही है, इसमें कहीं किसी को उंगली उठाने की ज़रूरत नहीं है, ना ये संवैधानिक मर्यादा के विपक्ष पक्ष में है। ये विशुद्ध रूप से एक प्रकार से पूरे के पूरे राजभवन को चिन्हांकित करके राजभवन की गतिविधियों के बारे में गलत तरीके से बातें जब मीडिया में और लोगों के बीच आती है तो ये इसे मैं सर्वथा अनुचित मानता हूँ। कांग्रेस के लोगों की तकलीफ भी होती है, हमारा संगठन की एक बड़ी सामान्य प्रक्रिया है, हमारे प्रभारी जो बनते हैं वो चाहे नितिन नवीन जी हो चाहे पुरंदेश्वरी जी हैं, इनका न केवल प्रदेश के मुख्यालय में बल्कि दूरस्थ अंचल के सीधे जिले के संगठन से बातचीत करना, और ये मान्य परंपरा है भारतीय जनता पार्टी में होता है। तो अभी नितिन नवीन जी आए थे तो सरगुजा में 3 दिन रहे थे, माननीय पुरंदेश्वरी जी का जो दौरा चल रहा है वो बस्तर में 3 दिन का है, और ये सभी जिलों को टारगेट करके आने वाले समय में सभी जिला मुख्यालय में जाके सीधी बातचीत करने का उनका क्रम रहता है, उसको कर रहा है। इसमें यदि प्रभारी यहाँ आके दौरा करती हैं उसके बाद भी इनको दुखी होते हैं कि क्योंकि इनके प्रभारी तो चुनाव के समय आते हैं और किस काम के लिए आते हैं प्रभारी पूरी छत्तीसगढ़ की जनता जानती है। अब रायपुर में लगातार दिन दहाड़े चाकूबाजी हो रही, सड़क में दौड़ा दौड़ा के चाकू मारा जा रहा है, नशाखोरी इतनी बढ़ गई है कि अपराध बढ़ते हैं, और अपराध बढ़ने के पीछे कारण यही है शराब जुआ सट्टा, जिस प्रकार पुलिस के संरक्षण में सरकार के सह में जो जिस प्रकार की अवैध गतिविधि हो रही है, तो अवैध गतिविधियाँ जिस प्रकार नशेखोरी की बढ़ती है तो अपराध बढ़ते हैं। अपराध को रोकने वाला कोई नहीं है क्योंकि पुलिस प्रशासन में और पुलिस में लगे हुए लोग भी आज मैं कह सकता हूँ कि उनको सट्टा और जुआ अपराध से मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नीचे से ऊपर तक वसूली का क्रम जारी है। अमित शाह जी का अनुभव न केवल आज गृहमंत्री के रूप में बल्कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में देश के चप्पे चप्पे में उन्होंने संगठन का विस्तार किया है और इलेक्शन गतिविधियों में लगातार उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, चाहे इसके पहले
होने वाले लोकसभा और बाकी विधानसभा चुनाव में रहा हो, 2014 का चुनाव हो, और आज फिर उनकी महत्वपूर्ण भूमिका उत्तर प्रदेश से लेकर अन्य पांच राज्यों में उतनी महत्वपूर्ण है। वो हमारे रणनीतिकार हैं, वो निश्चित रूप से उनकी उपस्थिति मात्र से कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ जाता है, कार्यकर्ताओं को कैसे काम में लगाया जाए, बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं से सीधे कैसी बात की जाए, ये माननीय अमित शाह जी की रणनीति का हिस्सा रहता है। माइक्रो लेवल पे प्लानिंग करके काम करने की शक्ति है, और जब वो कुछ बात बोलते हैं तो अधिकार से बोलते हैं, अनुभव से बोलते हैं, और उनकी मेहनत, अभी वो डोर टू डोर एक अलग अलग विधानसभाओं में जाके पूरा समय दिए, बड़ी सभाएं की, बूथ स्तर के कार्यकर्ता और जिला स्तर के कार्यकर्ताओं में लोगों से बैठने का काम किया, तो ये एक अनुभव की दृष्टि से उनका कहना है कि हम पाँच सालों में पाँच जो राज्य में जहाँ चुनाव हो रहे हैं बेहतर परफॉर्मेंस भी होगा और उत्तर प्रदेश में बहुमत के साथ सरकार बनेगी। जो विश्वास उनके जवाब में दिखता है, जो उनकी बात से लगता है, उस विश्वास को देख कर लगता है कि निश्चित रूप से एक अनुभव, एक परिपक्व हमारे नेता ने अपनी बात को बेबाकी से कही है, और ये निश्चित रूप से आने वाला समय जब 10 तारीख को रिजल्ट आएगा इसकी सत्यता सामने आ जाएगी। विपक्ष की भूमिका और विपक्ष की बात को इतनी चिंता यदि होती तो विधानसभा के सत्र बुलाने के पहले विपक्ष के लोगों से कम नेता प्रतिपक्ष से, प्रमुख हमारे सीनियर विधायकों से बात करके पूछा जाता कि भाई 13 बैठकों का बजट सत्र होता है जिसमें सभी विभाग के बारे में व्यापक चर्चा होती है, अलग अलग डिपार्टमेंट के बारे में एक एक दिन का तय रहता है समय, अब 13 दिन के बजट में बजट भी पास करना है, डिमांड पे चर्चा भी करना है, छत्तीसगढ़ के अन्य समस्याओं को लेकर मुद्दे को भी रखना है, तो मुझे लगता है जानबूझकर इसकी संख्या कम की जा रही है ताकि कम से कम चर्चा हो, और चर्चा से इसलिए भागना चाहते हैं कि चर्चा के लिए इनके पास विभाग में कुछ काम ही नहीं है। PWD में कौन से चर्चा करेंगे कि कौन से नई योजना, नई सड़क, नए पुल पुलिये बन गए, इरिगेशन में जिस मुख्यमंत्री ने 2 घंटे के भाषण में 40 मिनट एक बांध के लिए, बोधघाट परियोजना के लिए, बस्तर के उस योजना के लिए 35 मिनट भाषण दिया पानी पी पी के, मैंने उस दिन ही कहा था कि 3 साल में इसका DPR नहीं बना पाओगे, और 3 साल से ऊपर हो गया, DPR नहीं बन पाया है और 2 साल में नहीं बनेगा। तो इनकी योजनाएं ज़मीन में बनती है, कागज़ पे उसका मूल्यांकन होता है और कागज़ में प्रेस के माध्यम से जनता तक जाता है, एक भी इरिगेशन के प्रोजेक्ट इनके पास नहीं है जिसकी चर्चा हाउस के अंदर करें, कोई ऐसे नए प्रोजेक्ट नहीं है जिसपे बारे में अलग अलग डिपार्टमेंट की डिमांड मांगों पे चर्चा हो। तो ये चर्चा से भागना इसलिए चाहते हैं कि इनके पास नरवा गरवा घुरवा बारी, इसमें जितना गपशप मारना है, बातचीत करना है कर लें, मगर नरवा गरवा के भी पेमेंट पूरे सरपंच रो रहे हैं सिर पकड़ के, पेमेंट रुका हुआ है, नरेगा से और केंद्रीय योजनाओं से जितनी पैसा लगे उसके बारे में बात हुई, चर्चा क्यों नहीं होगी? चर्चा होगी, विधानसभा में 11 लाख आवास की कमी है उसके बारे में चर्चा होगी, डेवलपमेंट में पिछड़ापन है छत्तीसगढ़ में, विकास क्यों 3 साल से अवरुद्ध हो गया है, तो इस बारे में चर्चा होगी। और उसके साथ साथ जिस प्रकार इस बार के बस्तर से सरगुजा तक छोटे छोटे मासूम बच्चों की मौत हुई, 25,000 से बड़ी संख्या 3 साल में आंकड़े आ रहे हैं, इस पे चर्चा होगी, कुपोषण पे चर्चा होगी, महिलाओं के साथ जिस प्रकार अन्याय किया गया, महिला स्व सहायता समूह से उनकी रोजी रोटी और अधिकार छीना गया उसके बारे में चर्चा होगी। तो बहुत सारी बातें हैं जो ध्यानाकर्षण स्थगन के माध्यम से, प्रश्न के माध्यम से चर्चा होगी, और भ्रष्टाचार के जो नए कीर्तिमान स्थापित किए जा रहे हैं उसको लेकर भी विधानसभा में घेरा जाएगा।